एकदम सही कह रहे हैं आप। नॉलेज को हम कोई ऐसे क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम नॉलेज सिस्टम्स को क्लेम कर रहे हैं और बहुत सीना ठोक के क्लेम करेंगे। नॉलेज फैलाने का, नॉलेज नॉलेज बांटने का, नॉलेज को एक्नॉलेज करने का कल्चर हमारा ही था। हम किसी और पे जाके अपनी नॉलेज इम्पोज नहीं कर रहे थे, हम उनसे अच्छा ले रहे थे और उनको हमारा अच्छा नॉलेज बता रहे थे। आईपीआर की बात हो रही है, यहाँ पे सर ने योगा तो बोल दिया, हिंदू न्यूमरल सिस्टम पे जिस दिन हमने आईपीआर क्लेम कर दिया उस दिन आपकी गिनती के पैसे लगने लग जाएंगे भैया। मैं बताना चाहूंगा कि यूनानी सिस्टम की इन्होंने बात करी। यूनानी सिस्टम और मेडिसिन जो है ना, वो चार तीन चीजों पर बेस्ड है बेसिकली, बॉडी माइंड एंड सोल। लेकिन जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा के अंदर वो बॉडी माइंड सोल इंद्रिया सेंसेस जिसे हम बोलते हैं उन सब पे बेस्ड है। एंड सेकेंडली आयुर्वेदा के अंदर, या फिर हम अगर चरक संहिता है उसकी बात करें तो उसके अंदर एट स्पेशलाइजेशन का मेंशन है, जिसका मैं मेंशन करना चाहूंगा। सल्ले यानी की सर्जरी, सलक्के यानी की ईएनटी एंड डेंटल, काया यानी की सीजनल, ग्रह यानी की ट्रॉमा इंस्ट्रूमेंट ट्रीटमेंट, स्पेश यानी की एंटीडोटल ट्रीटमेंट, वजीकरण यानी की इनफर्टिलिटी, असयान यानी की रिजुविनेटिंग थेरेपीज, और बाल यानी की चाइल्ड ट्रीटमेंट, और चिकित्सा मतलब पीडियाट्रिक्स। ये कहने का मतलब कि आपका जो यूनानी सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन वो भी रिकॉग्नाइज्ड है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, बट हमारा ज्यादा वाइड था और हमारा बहुत ज्यादा हमारे अंदर छोटे से छोटी प्रॉब्लम को लेके, सीजनल टिश्यू से लेके, मतलब कोल्ड ग्लव जो सीजनल होता है उससे लेके हमने सर्जरी तक कवर कर रखा है। बढ़िया। तो भाटिया जी, हाँ जी, जरा मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको भैया, हम वेस्टर्न वे को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपने बोला ना, आपका इन्होंने बोला यूनानी, आपका है, तो आपने बोला ऐसा वैसा, तो हम पैसे देने नहीं, ये वेस्टर्न वे को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये मत समझिए आप। और मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ, नहीं अनपार्लियामेंट्री, अनपार्लियामेंट्री, नो नो नो, मार्शल थे कोई ना, मार्शल थे कोई ना, आपने बोला हाँ, मतलब ये अब क्लियर हो गया। क्या शिव ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, शिव ने बोला कि भाई हम नॉलेज को क्लेम नहीं कर रहे। दिया का पॉइंट क्या था कि आपने ये कह करके कि नॉलेज हमारा है, नॉलेज को अपना क्लेम करके आपने नॉलेज के भारतीय मीनिंग को ही खत्म कर दिया। शिव ने कहा नहीं, हम नॉलेज को क्लेम नहीं कर रहे, हम नॉलेज सिस्टम्स को क्लेम कर रहे हैं। जो नॉलेज सिस्टम्स हमने दिए, जैसे न्यूमेरिकल, जो हिंदू न्यूमेरिकल्स दिए वो हमने दिए, और उन्होंने कहा कि अगर हम उस पर आईपीआर मांगने लगे तो गिनती पैसे लग जाएंगे। ठीक है, आपके मतलब पूरी दुनिया के, आपके नहीं, यही हमारे, ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली, इन्होंने कहा कि आप एक चीज समझिए, दुनिया जब नॉलेज को मोनोपोलाइज कर रही थी, इवन बैक देन, तब हम नॉलेज को शेयर कर रहे थे और आज भी शेयर कर, इसलिए हमने नॉलेज को मोनोपोलाइज करने की बात कभी करी ही नहीं। देवेश आए, देवेश ने कहा कि आयुर्वेद में हम आठ प्रकार के दोषों को हमने बताया, उसमें इन्होंने पीडियाट्रिक से लेकर के और सब कुछ बता डाला, और इन्होंने कहा कि यूनानी सिस्टम इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज, नो प्रॉब्लम, बट जो हमारा आयुर्वेदा सिस्टम है इट इज मोर ब्रॉड। क्यों? क्योंकि ये शरीर के बेसिक तत्वों से लेकर के, बेसिक चीजों से लेकर के, और बड़ी से बड़ी शल्य चिकित्सा की भी बात करता है। तो बढ़िया टीम।